समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज भी जब गायघाट विधानसभा का दौरा करती हूं तो अधिकांश सड़कों पे आज भी मुझे अपनी माताजी के नाम का शिलान्यास देखने को मिलता है। जनता द्वारा ही, जो लोग मेरे साथ घूम रहे थे, जब लोगों के घरों के पास पहुँचती हूँ, मैं जनसंपर्क करती हूँ, तो वहाँ की जनता मुझे बोलती है कि ये देखिए, ये पुल भी आपकी माताजी द्वारा दिया गया है, ये भवन भी आपके माताजी द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी गांव है जहां लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद 2010 तक बिजली नहीं थी, जो है 2010 में जब मेरी माताजी वहां की विधायिका बनी तब वहां बिजली आने का काम हुआ। तो मैं लोगों के स्थानीय समस्याओं के ऊपर काम करना चाहती हूं, जिस कर्मठता के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे माताजी ने काम किया है, उससे भी बढ़ चढ़ के मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूं। आज भी गायघाट में ऐसी भी कोई जगह है, मेरा जाना हुआ था, जहाँ पे आज भी लोगों का सड़क से जुड़ाव नहीं है, लोग नाव के सहारे आते जाते हैं। इन सब समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ, हर समस्याओं को उसी लगन के साथ देखना चाहती हूँ। कोई समस्या मेरे नज़र में छोटा बड़ा नहीं होता है। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पे बहुत मेरा ध्यान रहेगा, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पे बहुत मेरा ध्यान रहेगा कि उनको अच्छा से अच्छा रोज़गार मिले, उनको योग्यता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की व्यवस्था पे बहुत मेरा ध्यान रहेगा। मैं हर मुद्दों को साथ लेना चाहती हूँ, मैं लोगों के साथ कदम से कदम मिलाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा गायघाट विधानसभा पूरे बिहार में नंबर वन।